नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में नगर निकाय के चुनाव होंगे या नहीं होंगे? होंगे तो कब होंगे? क्या 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को होने वाले जो नगर निकाय के चुनाव हैं उसके ऊपर एक बार फिर से कोर्ट रोक लगा सकता है? जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है कि बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो सस्पेंस की स्थिति बनी हुई थी वह एक बार फिर से गहराते हुए नजर आ रही है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव पर टलने का जो खतरा था वह खतरा आज फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दरअसल जो नगर निकाय के चुनाव होने हैं, चुनावों पर रोक लगाने की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि जिन प्रावधानों के तहत बिहार में नगर निकाय के चुनाव कराए जा रहे हैं वह प्रावधान विधि संगत नहीं है। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट को तत्काल इस मामले पर सुनवाई करनी चाहिए और नगर निकाय चुनावों पर रोक लगाने का निर्णय लेना चाहिए। हालांकि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट को लेना है कि यह नगर निकाय चुनावों पर रोक लगना है या नहीं लगना है। दरअसल इसके पहले 10 और 20 अक्टूबर को बिहार में नगर निकाय के चुनाव होने थे। दो चरणों में होने वाले इस जो नगर निकाय के चुनाव थे उन चुनावों पर उस समय राज्य में अति पिछड़ा आरक्षण के जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों को लागू नहीं करने को लेकर के कोर्ट में यह मामला गया था और उसके बाद पहले पटना हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्णय दिया था और साथ ही साथ बिहार सरकार को एक डेडिकेशन कमेटी का गठन करने का आदेश दिया गया था, जिस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अति पिछड़ों को आरक्षण देने की प्रक्रिया शुरू की जानी थी। लेकिन इस डेडिकेशन कमेटी के गठन के बाद उसकी रिपोर्ट क्या आई, उस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। वहीं पिछले सप्ताह ही अचानक से जो निर्वाचन आयोग है बिहार का, उसने इन चुनावों को कराने की घोषणा की है। 18 और 28 दिसंबर को दो चरणों में राज्य में निकाय के चुनाव होंगे, लेकिन अब इन्हीं चुनावों को लेकर के बुधवार को ही एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की सुनवाई तत्कालिक तुरंत करने की मांग की गई है। इसे जो याचिका दायर की गई है इसे बताया गया है कि यह याचिका इसलिए जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि इससे नगर निकाय चुनावों को लेकर के जो आरक्षण के प्रावधान है उसे लागू नहीं होना एक प्रकार से विधि संगत नहीं है। तो अब संभावना व्यक्त की जा रही है कि संभव है कि इस मामले की सुनवाई गुरुवार यानी कि आज, या फिर अगर इस मामले की सुनवाई आज नहीं होती है तो कल यानी कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो सकती है। अभी तक की जो वहां पर प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के, वहां पर जो डेली के सुनवाई के तत्काल मामले आते हैं उनमें अभी तक इसके लिस्टिंग नहीं हुई है, यानी कि जो निकाय चुनाव को स्थगित करने की मांग की गई थी उसकी लिस्टिंग करने की प्रक्रिया वहां पे नहीं हुई है। लेकिन संभव है कि तत्कालिक हियरिंग यानी कि अर्जेंट हियरिंग के मामले में ऐसी प्रक्रिया भी होती है कि कुछ घंटों के बाद उसे सूचीबद्ध किया जाता है। तो संभव है कि आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बड़ा निर्णय सुनाए या फिर कल निर्णय सुनाए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बिहार में निकाय चुनाव को लेकर के क्या होता है, क्या एक बार फिर से बिहार में निकाय चुनाव स्थगित होंगे या फिर नीतीश सरकार को राहत की खबर सुप्रीम कोर्ट से आएगी, क्या होगा निकाय चुनाव का बिहार में भविष्य, तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन पे।